नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं नीरज, दिल से दिल तक चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस चैनल पे बात करेंगे जो ये बिना वजह की बारिश है और उसके परिणाम स्वरूप जो लोगों को कफ एंड फ्लू हो रहा है। और शायद आपको भी लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मेरे को भी ये कफ एंड फ्लू जो है, कफ एंड कोल्ड का फ्लू है। मैं उसी में थी थोड़े दिन। अभी भी मेरा गला और आवाज़ मेरी क्लियर नहीं हुई है, मगर मुझे आज वीडियो तो बनाना ही था, तो कुछ थोड़ी सी राहत थी तो इसलिए मैंने कहा कि आज हम ये ज़रूर बनाते हैं और इसी विषय पे आज हम बात भी करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या जो लोग घर से बाहर रहते हैं वो इसकी चपेट में जल्दी आते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए या घर में हमारे बूढ़े बुजुर्ग हो गए या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते जाते हैं। ऐसे ही अब जैसे हमारे घर में पहले मेरे बेटे को हुआ, फिर हमारे घर जो हेल्पर है उनको हुआ, तो अब मुझे हो गया। तो ऐसे ही होता है कि अगर एक बार किसी को होता है तो फिर एक के बाद एक घर में सबको होता है। तो इसके लिए कुछ दो तीन चीज़ें हैं, मालूम तो वैसे हम सबको हैं मगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी अगर हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीज़ें कभी भूल जाते हैं। जैसे अगर जिसको भी ये फ्लू है वो अपना एक अलग हैंकी रखे, जब उसको छींक आए या खांसी आए तो वो उसको यूज़ करे, और कोशिश करे जिनको फ्लू है वो मतलब गर्म पानी, हॉट वाटर बाथ लें और पानी भी गर्म ही पिए, और हो सके तो ग्रीन टी पिए, वो भी हर्बल टी। हर्बल टी पियेंगे तो गला खुलता है, जो नेजल पैसेज है वो भी खुलता है। जैसे मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मा गले पे सरसों का तेल हमारे लगाती थी, और उसको फिर कॉटन के कपड़े से, मतलब कॉटन का दुपट्टा हो आपका या कोई आपका बड़ा सा स्कार्फ हो कॉटन से, उससे लपेट दें। अगर उसके बाद पानी नहीं पीना है या कुछ खाना नहीं है तो मतलब इससे भी राहत मिलती है। या फिर देसी घी की कोई लोग मालिश करते हैं गले पे, मतलब कोसा थोड़ा सा किया, कोसा मतलब कुनकुना किया ल्यूकवॉर्म घी को, देसी घी को, और उसको ऐसे गले पे लगा लिया और उसको लपेट के फिर सो गए। बस प्रिकॉशन यही है कि पानी नहीं पीना है आधे घंटे तक, और जब भी पानी पिए तो आप कोसा पानी पिए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर इस मौसम में खाते हैं तो हमें वो फ़ायदा देती हैं। जैसे एक तो खाना बिल्कुल हल्का खाएं, दाल चावल खाएं, सब्जियां जो हैं घिया टिंडा तोरी हैं ये खाएं, खुश फुलका लें, मसालेदार चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें जिसमें घी मक्खन खूब ज़्यादा यूज़ होता है वो वाला खाना ना खाएं, अवॉइड करें उसको। लाइट फूड लें और उससे मतलब आपको अच्छा लगेगा। और जैसे कुछ नॉर्मल अगर खांसी जुकाम है तो वो अपने आप से ही घर में थोड़ा सा ये सब हम करते हैं तो ठीक हो जाता है, मगर अगर साथ में फीवर है, बॉडी एक बहुत है, हेडेक है, तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। या आपको मन करता है, लेथार्जिक फील करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं ये शायद आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाएँ, तो इनको आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर एक अच्छा सा वीडियो, बढ़िया सा वीडियो जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं वो जल्दी ही शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। शुक्रिया।